स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक भरतपुर संभाग के नेताओं से राय शुमारी की गई। इस दौरान कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी लगातार फीडबैक ले रही है और गंगापुर विधायक रामकेश मीणा ने कहा है कि फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। गहलोत राज्य में ऐतिहासिक विकास के काम हुए हैं और सत्ता विरोधी लहर नहीं है कहीं भी। गंगापुर की कांग्रेस मेरे समर्थन में निर्दलीय चुनाव जीते थे रामकेश मीणा। ये तमाम बातें निकलकर इस दौरान सामने आई हैं। तो आपको बता दें कि कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है और इस दौरान भरतपुर संभाग के नेताओं के साथ राय शुमारी की जा रही है। पता किया जा रहा है कि वहां पर माहौल कांग्रेस को लेकर कैसा है, सरकार के कामकाज किस तरह से लोगों को प्रभावित कर रहे हैं और विपक्ष की बातों का असर कितना पड़ रहा है। तो तमाम चीजों पर बात की जा रही है। उम्मीदवार कौन मजबूत दिखाई दे रहा है और जो सिटिंग एमएलएज हैं, विधायक हैं, उनकी फीडबैक किस तरह से लोगों के जरिए सामने आ रही है, तमाम बातों को डिस्कस किया जा रहा है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी इस दौरान लगातार फीडबैक ले रही है। गंगापुर विधायक रामकेश मीणा ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार बनेगी एक बार फिर और गहलोत राज में जो ऐतिहासिक विकास के काम हुए हैं बिल्कुल उनके जरिए सरकार एक बार फिर से लौटेगी और सत्ता विरोधी लहर बिल्कुल भी नहीं है। जीत की गारंटी कुछ होती नहीं है दहल साहब, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि जो सरकार की योजनाएं हैं, जो नीतियां हैं और आदरणीय जो गहलोत साहब ने अभी जो काम किए हैं इस दौरान, उससे न केवल गंगापुर वरन पूर्वी राजस्थान का हम कह सकते हैं कि पूरी तरीके से कांग्रेस जो है फ्रंट में है और कांग्रेस जीत करके आएगी। जिस तरीके से पिछली बार बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ था, उससे भी बुरी हालत बीजेपी की होने वाली है। देखिए, मेरे लिए ये कोई प्रश्न नहीं है कि दूदू विधानसभा से जीत की गारंटी मिल गई। अरे भाई, दूदू तो वो विधानसभा है, 1952 में जब देश में पहला चुनाव हुआ था, आज 2023 है, पहले सामान्य सीट थी। वहाँ कोई किसी भी राजनीतिक पार्टी का, किसी भी जाति का व्यक्ति कभी दोबारा विधायक निर्वाचित नहीं हो गया है। मैंने तो चार बार चुनाव लड़ा, चारों बार वहाँ चुनाव जीता हूँ। बिल्कुल जाएगी, प्रयास अच्छे हुए हैं, कुछ काम हो चुके होते हैं, कोई काम होने टाइम लगता है, लेकिन इस बार की जो सरकार की योजनाएं हैं आम जनता को देखते हुए वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक नजीर पेश कर रही हैं और निश्चित तौर पे पूरा आज पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि ये गहलोत बनाम मोदी का चुनाव होने वाला राजस्थान में भी। जो ये योजनाएं हैं, जो जन कल्याणकारी काम सरकार ने किए हैं, वो पूरा हिंदुस्तान की सरकारें आज वो कॉपी करने की कोशिश कर रही हैं। ऐसा है, बीएसपी का जो कैंडिडेट है, बीएसपी का कैंडिडेट मेरे सामने 2013 में भी लड़ा, जबकि वो पहले विधायक रह चुका था सुरेश मीणा, उसके मात्र 5000 वोट आए थे। तो बीएसपी का वोट जो है वो जीतने वाले को जाता है, वैसे नहीं जाता। तो लगातार जो राय शुमारी चल रही है इस पर हम अपडेट लेते हैं, बात करते हैं अपने संवाददाता बाबूलाल धायल का रुख करते हुए। बाबूलाल, जाहिर तौर पर भरतपुर संभाग के नेताओं की राय शुमारी हो रही है, फीडबैक किस तरह से आ रही है जो आपके सूत्र बता रहे हैं, और दावा तो हालांकि लगातार सरकार रिपीट करने का हो ही रहा है। जी देखिए, भरतपुर से बहुत उम्मीदें हैं कांग्रेस पार्टी को और इस डिवीजन ने बहुत साथ दिया था पिछली बार अशोक गहलोत की सरकार बनने में, तो इस बार भी उसी जीत के सिलसिले को बरकरार रखना चाहती है पार्टी। और ईस्टर्न राजस्थान अगर फतेह होगा तो सरकार को बनने में, कांग्रेस की सरकार के बनने में आसानी हो सकती है, लेकिन अगर ईस्टर्न राजस्थान ने कांग्रेस का साथ नहीं दिया तो बहुत मुश्किलें पेश आने वाली है। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल का जो मुद्दा है उसको बहुत जोर शोर से उठाया जा रहा है। आज जब फीडबैक लिया जा रहा है स्क्रीनिंग कमेटी की ओर से, तो तमाम जो नेता हैं उन्होंने विश्वास जाहिर किया है कि सरकार बनने जा रही है, काम बहुत अच्छे हुए हैं और कहीं पर एंटी इनकमेंसी नहीं है, ये भरोसा दिलाने की कोशिश हुई है। लेकिन साथ ही यहाँ पर आरएलडी के साथ में पिछली बार गठबंधन हुआ था और भरतपुर की जो सीट है वो सुभाष गर्ग को दी गई थी, वो आरएलडी उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीत करके आए थे, बाद में अशोक गहलोत की कैबिनेट में उनको जगह भी मिली। तो आज भी सुभाष गर्ग ने यही कहा कि गठबंधन जो है वो बरकरार रहेगा और आरएलडी, क्योंकि इंडिया अलायंस जो हुआ है उसमें भागीदार है, इसलिए राजस्थान में भी आरएलडी को सीट मिलने जा रही है। तो अपने ऊपर जो संकट आ रहा है नेताओं के कि कहीं हमारी टिकट कट के और पार्टी में दूसरे दल को ना चली जाए, तो उसको भी वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ में जोधपुर संभाग से आए हुए नेता हैं जो यहाँ पर टिकट की दावेदारी कर रहे हैं और सिटिंग एमएलए का विरोध कर रहे हैं, ये भी एक अलायंस बना करके आए हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? जी, हम जोधपुर लोहावट से आए हैं। तो एक साथ पांच क्यों आए हैं आप लोग?
सर हम सब यहाँ से दावेदारी करने के लिए आए लाहौर से। अच्छा, तो दावेदारी में कैसे आपको क्यों तरजीह देगी और एक साथ पांच जाकर के कहने वाले क्या हैं आप लोग? जी बिल्कुल, हम यहाँ पे आए हर जाति से, यहाँ पे जो जाति के सीनियर हैं पार्टी में अपना वर्चस्व रखते हैं वो सब हम यहाँ मिल के आए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं महिला हूँ, हमारे साथ मालाराम जी राव जो पहले 2013 में चुनाव लड़ चुके हैं हमें लोवर्ड से, तो उनके सुपुत्र हैं, आज लोवर्ड के प्रधान हैं सत्यनारायण जी। किसका कटवाना चाहते हैं, किसको टिकट दिलवाना चाहते हैं आप लोग? हम यहाँ पे टिकट की दावेदारी का, आज लोकतंत्र में सब हकदार होते हैं तो हम उस हिसाब से अपनी दावेदारी करने आए हैं। आज जोधपुर संभाग की यहाँ मीटिंग है तो हम हमारा बायोडाटा यहाँ लेके आए हैं। लेकिन यहाँ पर आपके आप जिस इलाके से आए हैं वहाँ पर कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार है अभी जीता हुआ, तो उसका टिकट क्यों कटे, क्यों पार्टी टिकट कटे उनका? वो उम्मीदवार मजबूत नहीं है और उस उम्मीदवार ने इतना भ्रष्टाचार कर दिया पूरी विधानसभा क्षेत्र में, 36 कौम के लोग उससे परेशान हैं और हम ये चाहते हैं कांग्रेस पार्टी वहां से जीते। तो पार्टी को यही मैसेज है हमारी सबकी ओर से कि वहां पर फेस चेंज किया जाए। लेकिन आप में से किसी को उम्मीदवार बनाया जाता है तो क्या विरोध नहीं होगा? नहीं होगा कि हम सबको पहले भी जैसे कि 2018 में जब टिकट मिला था हम सब ने पूरा साथ दिया था, कांग्रेस पार्टी का साथ दिया था, जो कैंडिडेट थे उनका साथ दिया था। तो आगे आए कहाँ से हैं आप लोग? हम लोहावट से आए हैं, लोहावट जोधपुर। लेकिन चुनाव के बाद स्थितियां अनुकूल नहीं रही है, काफी परिवर्तन हुआ है, पद का दुरुपयोग हुआ है, तो काफी नाराजगी है। सीएम साहब ने बहुत बढ़िया काम किया है, कांग्रेस का बहुत बढ़िया काम हुआ है, लेकिन जो स्थानीय विधायक हैं वहाँ कई विधायकों की आज अगर, लेकिन लोहावट तो जिला भी बन गया पास में फलोदी, आप लोगों की दूरी कम हो गई, तो ऐसी सूरत में क्या लोग जाएंगे नहीं कांग्रेस साथ में? मूलतः ये मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है और उन्होंने ये फलोदी की बहुत बड़ी सौगात दी है और हम जो लोग पांचों लोग आए हमारे तीन पीढ़ी से कांग्रेसी हैं और साहब के जो लोकसभा के गहलोत साहब ने जो चुनाव लड़ा उस सब से हम जुड़े हुए हैं। और प्रैक्टिकली बात यह है कि राजस्थान में सर्वाधिक एंटी इनकम टेंसी इंडिविजुअल लोहट विधायक के खिलाफ है, पार्टी ने खूब अच्छा काम किया है और लोहट सीट बिल्कुल ये रंग भी देखने को मिल रहा है और लोकतंत्र की खूबसूरती कहते हैं कि अपनी पार्टी के ही सिटिंग विधायक का विरोध यहां पर कर रहे हैं। मैं एक और खबर और अपडेट यहां पर जो निकल कर आ रही है बाबूलाल, पहले उसको दर्शकों को बता देता हूं फिर आपसे इस खबर की रिएक्शन भी लूंगा और आप बातचीत भी आगे इनसे जारी रखिएगा। दरअसल प्रदेश सरकार में मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग का एक दावा सामने आया है और जैसा बाबूलाल ने भी बताया भी था कि कांग्रेस के साथ आरएलडी का गठबंधन राजस्थान में बरकरार रहेगा। INDIA गठबंधन में आरएलडी पहले से ही शामिल है और राजस्थान में गठबंधन से बाहर रहने का कोई सवाल नहीं उठता है। मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने कहा कि मैं फिर से भरतपुर से ही लड़ने जा रहा हूं चुनाव और ये दावा उनकी तरफ से किया गया। बयान सुनते हैं फिर बाबूलाल का रुख करेंगे और अपडेट लेंगे। स्क्रीनिंग कमेटी जो कांग्रेस की आई हुई है वो फीडबैक ले रही है पूरे राजस्थान के बारे में और जिस क्षेत्र से जो लोग बिलोंग करते हैं उनके जिले के बारे में सबने अपना अपना फीडबैक दिया है। ये हाई कमांड तय करेगा, सीईसी तय करेगी इसको क्या मिलेगा। जहां तक गठबंधन का सवाल है तो निश्चित रूप से मानिए जब राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन इंडिया बन चुका है और लोकदल उसका पार्ट है तो निश्चित रूप से राजस्थान में भी उसकी बिल्कुल निश्चित रूप से संभावना है। क्या बिना गठबंधन के जीती गुंजाइश है आपकी? गठबंधन जरूरी है अगर भरतपुर में जिताना है? जो चीज का कोई रिलेवेंस ही नहीं है उसका जवाब मैं दे नहीं सकता। जब हम ये कह रहे हैं कि गठबंधन रहेगा और गठबंधन के रूप में ही हम आगे बढ़ेंगे और पूरे देश में एक माहौल चल रहा है 2023 में राजस्थान में पुनः सरकार बनेगी और 2024 में भी आप देखेंगे परिवर्तन मिलेगा। बाबूलाल धायल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। बाबूलाल, ये साफ तौर पर कहा गया सुभाष गर्ग की तरफ से कि INDIA और साथ ही साथ का ही हिस्सा है कांग्रेस और आरएलडी, इसीलिए गठबंधन बरकरार राजस्थान में भी रहेगा और उन्होंने अपना टिकट खुद से ही बता दिया कि कंफर्म है मेरा टिकट। उनको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा टिकट के लिए क्योंकि उनके सामने कोई ज्यादा दावेदार नहीं है, उनकी अपनी पार्टी है और राजस्थान में कोई जनाधार नहीं है। लेकिन INDIA का हिस्सा बनने के बाद में सुभाष गर्ग को लगता है कि अब उनके सामने ज्यादा चुनौतियां नहीं आएंगी क्योंकि टिकट तो कांग्रेस के साथ में बने रहने से उनको मिल जाएगा गठबंधन में। लेकिन विरोध भी है, भरतपुर से विरोध के सुर फिलहाल जयपुर तक नहीं पहुंचे होंगे, लेकिन पिछली मर्तबा आरएलडी को एक सीट दी गई थी मालपुरा की जहां से रणवीर पहलवान चुनाव लड़े थे और वहां पर वो बुरी तरह से चुनाव हारे थे।
तो वहां पर जो कांग्रेस पार्टी का काडर है वो विरोध कर रहा है कि किसी भी सूरत में मालपुरा की सीट को कांग्रेस पार्टी को गठबंधन में नहीं देना चाहिए। वहां के जो पूर्व जिलाध्यक्ष हैं रामविलास, कल उन्होंने जाकर के और स्क्रीनिंग कमेटी के सामने अपनी बात भी दो टूक शब्दों में कही थी कि बहुत मुश्किल हो जाएगा, कांग्रेस का काडर खत्म हो जाएगा, पार्टी का वर्कर निराश हो जाएगा, तो ऐसे में गठबंधन नहीं होना चाहिए। जहां तक गठबंधन का सवाल है, कांग्रेस पार्टी राजस्थान में भी एनसीपी को सीटें देती रही है, जेडीयू को भी टिकट देती रही है, मतलब हिस्सा बनाती रही है, और इसके अलावा जो दूसरे अलायंस से जुड़ी पार्टियां रहती हैं उनको भी पिछली बार भी टिकट दिए गए थे, इससे पहले भी दिए गए थे, और इस बार भी जहां पर नेताओं को लगता है कि कांग्रेस जहां कमजोर है वहां पर कुछ नेता ऐसे हैं जो अपना जनाधार बढ़ा करके और दूसरी पार्टियों से टिकट लेने के लिए रास्ते तलाश रहे हैं। उनमें भरतपुर की भी सीट है, मालपुरा की भी सीट है, और भी कई बहुत सारी सीटें हैं जो इंडिया का गठबंधन बनने के बाद में कई नेताओं के चेहरे पर यानी कि उनकी बांछें खिली हुई है। उनको लगता है कि कांग्रेस में उनकी जगह कहीं नहीं बनती, तो क्यों नहीं जयंत की पार्टी के जरिए, एनसीपी के जरिए और जो दूसरे दल हैं जो इंडिया गठबंधन में जो सहयोगी दल हैं उन पर वो डोरे डाल रहे हैं और उनके नजदीक जाकर के राजस्थान में वो अपनी चुनावी जमीन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी जो है इस तरह के गठबंधनों से बसती है, लेकिन इस बार यहां पर भी जेजेपी ने बहुत सारे लोगों को अपने से जोड़ने की कोशिश की है, खासतौर से दातारामगढ़ जहां पर बीजेपी कभी चुनाव नहीं जीती, तो वहां पर उन्होंने भी तोड़ा है। जो पहले वहां की जिला प्रमुख रही हैं सीकर की रीटा सिंह, उनको तक अपने खेमे में ले लिया और यही बताया उनको कि हमारा बीजेपी के साथ में गठबंधन होगा तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। तो अभी जो छोटे छोटे जो दल हैं वो अपनी जमीन तैयार करके और कुछ सीटें लेने की कोशिश कर रहे हैं। इस कड़ी में आरएलडी भी है, जेजेपी भी है और जो दूसरी पार्टियां हैं वो भी राजस्थान में एंटर होने के रास्ते तलाश रही हैं, और जिनकी सियासी जमीन थोड़ी बहुत है यहाँ पर उनको तो ज्यादा ही उम्मीद है कि इंडिया का अलायंस हो गया है तो राहुल गांधी निराश नहीं करेंगे, छोटे दलों को भी एक दो सीट दे ही देंगे। तो अभी ये जो खेल है शुरू हुआ है गठबंधन के बाद में, बिल्कुल बाबूलाल ये खेल आगे भी जारी रहेगा, लगातार चलता रहेगा, दिलचस्प हो चला है मुकाबला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिलहाल हमारे को जानकारी देने के लिए और बातचीत के लिए। और इस बीच आपको बता दें कि पीसीसी में टिकट मांगने वालों की भीड़ लगी हुई है, पीसीसी चीफ डोटासरा के पास अपना अपना बायोडाटा लेकर कई दावेदार पहुंचे हैं, और इस दौरान डोटासरा बता दें कि पुष्पांजलि में कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे और आज नाथुराम मिर्धा की पुण्यतिथि है, भीड़ के चलते डोटासरा अब तक पुष्पांजलि नहीं दे पाए हैं। मिर्धा साहब की पुण्यतिथि के अवसर के ऊपर आज हमने उनको पुष्पांजलि अर्पित की है। नाथुराम मिर्धा जी किसान परिवार से आते थे, बहुत बड़े लीडर थे, सब समाजों को साथ लेकर के चलते थे और राजस्थान के इतिहास में जनता से जुड़ाव क्या होता है उनसे सीखा जाता है। जब राजस्थान में एक भी सीट नहीं आई थी तब नाथुराम मिर्धा जीते थे, हमेशा किसान वर्ग के लिए उन्होंने काम किया, सब लोगों को साथ लेकर के चले और हमेशा के लिए कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया। और जो किसानों की समस्याएं थी, गरीब की समस्याएं थी, उनको वो उचित स्थान के ऊपर उठाते थे, उनका निवारण करते थे, बहुत बड़े लीडर थे। आज के दिन हम उनके जीवन से, उनके जिस प्रकार की कार्यशैली रही है उससे प्रेरणा लेकर के हम लोग कांग्रेस पार्टी में काम करते हैं, तो आज का दिन हमारे लिए उनको पुष्पांजलि। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत डायग्नोस्टिक सेंटर पहुंचे हैं, पैर के अंगूठे में जो उनके चोट लगी थी उसकी जांच कराने के लिए वहां पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, लगातार आपको बता दें कि कई दिनों तक पैरों में प्लास्टर लगा रहा था और उसके बाद वो लगातार तब भी काम कर रहे थे, लेकिन इस बीच जांच, नियमित जो जांच होती है उसको कराने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस वक्त डायग्नोस्टिक सेंटर पहुंचे हैं और पैर के अंगूठे में जो चोट लगी थी उनकी उसकी जांच कराएंगे और वहां डॉक्टरों से परामर्श लेंगे। इसी लिहाज से लगातार चूंकि जो कामकाज है वो भी करते आ रहे हैं मुख्यमंत्री, इसी बीच उन्होंने वक्त निकालकर यहां डायग्नोस्टिक सेंटर में जाकर जांच के लिए पहुंचे हैं। कुचामन सिटी से बड़ी खबर है जहां पर राणासर गांव में डबल मर्डर मामले में हत्या के विरोध में कुचामन पुलिस थाने के बाहर धरना लगातार जारी है। आरोपियों की गिरफ्तारी और सीबीआई जांच की मांग की गई है। थाने के बाहर धरने पर लोगों की भीड़ जुट रही है। वारदात से पहले
की सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। एक होटल पर गाड़ियां लेकर आरोपी खड़े नजर आए। तो कुचामन सिटी से बड़ी खबर है, जहां राणासर गांव में डबल मर्डर के मामले में हत्या का विरोध किया जा रहा है स्थानीय लोगों की तरफ से, और कुचामन पुलिस थाने के बाहर लगातार धरना दिया जा रहा है। आरोपियों के गिरफ्तारी और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। देखिए सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, घटना से ठीक पहले की और वारदात से पहले का ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें एक होटल पर गाड़ियां लेकर आरोपी खड़े नजर आ रहे हैं। तो दो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं दरअसल किस तरह का यह विरोध सीसीटीवी फुटेज के जरिए। एक तो वो तस्वीरें सामने आ गई और दूसरी तरफ लोगों का यह कहना कि आरोपी की गिरफ्तारी हो और इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराई जाए। इसको लेकर लगातार स्थानीय लोगों का विरोध और धरना जारी है। बराबर में हम आपको वो सीसीटीवी फुटेज भी दिखा रहे हैं। दरअसल जो घटना सामने आई थी, कहा यह जा रहा है कि कुछ विवाद हुआ और उसके बाद तीन युवक जो मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रहे थे, उनको कुचला, कई बार कुचलने की कोशिश की, एक्सीडेंट की शक्ल देने की कोशिश की गई। दो युवकों की तो मौत हो गई थी, एक युवक गंभीर हालत में भी अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं। और जब ये घटना घटी तो उसके बाद स्थानीय लोग काफ़ी आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी उनकी तरफ से विरोध जताया जा रहा है और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और पूरे मामले में जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। और इसी को लेकर कुचामन सिटी के बाहर, जो थाने के बाहर, ये लोग धरना करते हुए दिखाई दे रहे हैं और लगातार पुलिस के अधिकारी भी वहां पर समझाइश की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा हमने आपको कुछ अपडेट्स पहले भी दी, जिसके जरिए बताया कि पुलिस लगातार इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है। पुलिस के आला अधिकारियों को भी इस पूरे प्रकरण की, इस पूरे मामले की जांच के लिए भेजा गया है और पूरी टीम पुलिस की वहां पर लगाई गई है पता लगाने के लिए कि आखिर ये किन हालातों में घटना घटी थी, ताकि जो शंकाएं स्थानीय लोगों की है उसका समाधान हो सके। क्योंकि अपने आप में अगर एक्सीडेंट नहीं बल्कि जानबूझकर किया गया एक्सीडेंट है तो ये साफ तौर पर हत्या की शक, इसको यह हत्या ही मानी जाएगी। महेंद्र बिश्नोई हमारे संवाददाता नागौर से लगातार कुचामन सिटी की इस खबर पर अपडेट देने के लिए बने हुए हैं। महेंद्र, अभी फिलहाल स्थिति क्या है? यहाँ पुलिस अधिकारी दिखाई दे रहे हैं लोगों को समझाते हुए, लेकिन बात बनी नहीं क्या? देखिए अभी बात नहीं बनी है और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर अभी धरने पर पहुंचे हैं। उन्होंने धरने पर आते ही सरकार पर आरोप लगाए कि कानून व्यवस्था प्रदेश में बिगड़ी हुई है और जो गैंग बनाकर लोग अपराधों को अंजाम दे रहे हैं, कई तरह के आरोप लगाए कि दलितों पर भी लगातार अत्याचार बढ़े। कुल मिला के बीजेपी की तरफ से उन्होंने अपनी बात कही और दूसरी तरफ धरने पर लोग बैठे हुए हैं। उनकी दो प्रमुख मांगे हैं, एक तो सीबीआई से जांच हो, दूसरा इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए जो घटना से ठीक पहले सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे हैं। परिवारजनों की तरफ से मुकदमा भी इन लोगों के खिलाफ दर्ज करवा दिया गया था और अब पुलिस ने लोगों को चिन्हित भी कर लिया। मोटे तौर पर जो इस पूरी घटना में शामिल उन्हें डिटेन करने की कोशिश चल रही है। सूत्रों से ये पता चला है कि कुछ जनों को पुलिस ने डिटेन भी किया और परिवारजनों के साथ बातचीत पुलिस लगातार कर रही है, लेकिन परिजन अभी अड़े हुए हैं। समाज के लोगों की मांग ये है कि सभी को गिरफ्तार किया जाए, तभी जाकर पोस्टमार्टम करवाएंगे और उसके बाद सब लेंगे। ये गतिरोध अभी चल रहा है। शुक्रिया महेंद्र बिश्नोई आपका जानकारी के लिए। फिलहाल जयपुर में पुलिस मुख्यालय से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कुचामन सिटी में दो दलित युवकों की हत्या का मामले में प्रदेश सरकार ने दोहरे हत्याकांड को गंभीरता से लिया है। डीजीपी उमेश मिश्रा को जल्द निर्देश उन्होंने दिए हैं कार्रवाई करने के लिए। एडीजी क्राइम दिनेश एमएन को कुचामन के लिए रवाना कर दिया है। तीन संदिग्धों को हिरासत में फिलहाल कुचामन सिटी पुलिस ले चुकी है। राणासर गांव के पास दो युवकों को कुचलकर यह हत्या की गई थी, पर बत्सर के बिदियाद गांव के राजू और चुन्नी लाल की हत्या हुई थी। वारदात में गंभीर रूप से जख्मी युवक कृष्णाराम का इलाज जारी है। आईजी लता मनोज कुमार और एसपी राममूर्ति जोशी फिलहाल कैंप किए हुए हैं। तो पुलिस ने गंभीरता से इस पूरे प्रकरण को लिया है। डीजीपी उमेश मिश्रा को
निर्देश जल्द से जल्द मिले हैं इस पूरे मामले में कार्रवाई करने के लिए और इस संबंध में पुलिस की तरफ से कार्रवाई भी की जा रही है। कुचावन सिटी से बड़ी एक खबर एक और बता दें, राणासर गांव में डबल मर्डर मामले में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ कुचावन सिटी पहुंचे हैं। थाने के बाहर परिजनों के साथ धरने में शामिल हैं। राठौड़ ने इस दौरान कहा है कि प्रदेश में कई गैंग अपराधों को अंजाम दे रहे हैं, प्रदेश में दलितों पर अत्याचार बढ़े हैं, दलित समाज खुद को लूटा गया महसूस कर रहा है, जिले में कई आपराधिक घटनाएं हुई हैं, सरकार के नुमाइंदे चुप हैं। 5,415 मामले प्रदेश में दर्ज हैं, केवल 1,100 मामलों में ही चालान हुए। बड़ी खबर टोक से है जहां पर संत सियाराम दास बाबा की हत्या पर आक्रोश देखने को मिल रहा है। बाबा की हत्या के आक्रोश में डिग्गी कस्बा बंद रखा गया है। पुलिस अधीक्षक राजर्षि राज वर्मा डिग्गी वहां पर पहुंचे हैं। डिग्गी पुलिस अधिकारियों के साथ घटनास्थल का उन्होंने जायजा लिया है। एएसपी पुष्पेंद्र सिंह सीओ सुशील मान ने इसकी जानकारी दी है। वहीं डिग्गी मालपुरा में महंत की हत्या पर भाजपा प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज की प्रतिक्रिया आई है, वो भी सुनते हैं। फिर सरकार हो गया है, डिग्गी कल्याणपुरी में आज फिर एक संत की निर्मम हत्या हो गई। 93 वर्षीय संत सियाराम जी की वहां पर जिस तरीके से हत्या की गई, उनके शव को जिस तरीके से बेकदरी के साथ वहां पर मंदिर परिसर में ही फेंक कर लोग बदमाश चले गए, उससे पता लग रहा है कि राजस्थान की कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है। अभी कुछ दिनों पहले कुचामन में संत मोहनदास जी की हत्या हुई, उसके पहले 2 दर्जन से ज्यादा साधु संतों की हत्या राजस्थान में हो चुकी है। राजस्थान पुजारियों के लिए, साधुओं के लिए, संतों के लिए कांग्रेस पार्टी के शासन में काल साबित हो रहा है। आज राजस्थान एक भी जगह ऐसी नहीं है राजस्थान में जहां पर कोई भी सुरक्षित हो, ना महिला सुरक्षित है, ना दलित सुरक्षित है, ना बच्चे सुरक्षित है, ना साधु संत और पुजारी सुरक्षित है। राजस्थान के कांग्रेस पार्टी के शासन में आज पूरे प्रदेश में अराजकता की स्थिति है, जो एक के बाद एक जो लोमहर्षक घटनाएं यहां पर हो रही हैं वो उसको दर्शाती है। तो टोंक के डिग्गी में महंत की हत्या मामले में बीजेपी सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है प्रशासन सिर्फ सरकार के प्रचार प्रसार में लगा है। जौनापुरिया ने महंत की हत्या की निंदा की है। सरकार होश में और प्रशासन को काम करने दे। हत्या के पीछे किसका षड्यंत्र है, क्या चीज है, क्योंकि हम मालपुरा में इतने परेशान हैं कि पिछली बार भी अभी हमारे महादेव के जल चढ़ाने में रोक लगा दी थी। प्रशासन को काम करने को तैयार नहीं है। प्रशासन सिर्फ और सिर्फ सरकार के प्रचार प्रसार में लगा हुआ है। आज हमारे टोटल काम भी बंद हो गए और जिस हिसाब की हत्याएं हो रही हैं, मैं समझता हूं कि जितनी घोर निंदा की जाए उतनी कम है। मोदी सरकार ने एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 200 रुपए की कमी करने का फैसला किया है। इस फैसले पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि ये INDIA की ताकत है जिसने दाम घटाने को मजबूर किया है। मोदी सरकार ने रसोई गैस के दामों में 200 रुपए की कटौती करी और कटौती करते वक्त मोदी जी ने कहा कि ये उन बहनों के लिए तोहफा है जो कल रक्षाबंधन मनाएंगी। लेकिन असलियत ये है कि इसके लिए मोदी सरकार को मजबूर कर दिया इंडिया के गठबंधन ने। हम लगातार बेरोजगारी की, महंगाई की, आर्थिक असमानता की, महिलाओं के लिए दिक्कतों की बात करते हैं और अब इन नफरतियों को भी, तो ये जो झुंझुना बजाया जा रहा है, समझ लीजिए ऊपर हुआ था दाम 185%, घटाया गया है मात्र 17.5%। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है।